नमस्ते आप से मैं हूं हूसी संकल्प कास्टिया स्वागत है आपका इस सेशन सो so गाइस uh, 24 बहुत ही स्पेशल अटेम्प्ट है बिकॉज न्यू सिलेबस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है एंड कुछ सटल चेंजेस है जो कभी नहीं आए स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक एफ आर बिकॉज यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया है एमसीक्यू तो जब मैंने आर ओपन किया मैं अभी फिलहाल ए की बात कर रहा हूं तो जब मैंने आर ओपन किया प्लीज प्लीज एंड तक सुनना ये वीडियो काफी काम का होने वाला है कुछ एनालिसिस किया है एंड वो आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं बाकी सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड बेल आइकन क्लिक कर लो सो so दैट जो भी रिविजन वीडियो है या कोई नई चीज आती है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को क्विक लेवल नोटिफिकेशन मिल सके चलो एनीवेज नाउ नोर एज आई सेट ए एफ एम मैंने जब आरटीपी ओपन किया तो मैंने देखा कि यार फर्स्ट दो क्वेश्चन थ्योरी चैप्टर के एमसीक्यू थे सो so, मैंने मन बना लिया कि मुझे लगा कि भाई चलो ये बार अभी थ्योरी डायरेक्टली वो लोग एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेंगे एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स तो आई थॉट इट दैट वे बट अब जब मैं एमटीपी ओपन कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि यार यहां पे जो उन्होंने थ्योरी क्वेश्चंस पूछा है वो तो अलग से पूछा है यस सीयर सो यहां पे अगर मैं ये क्वेश्चन ओपन करता हूं तो स्पेसिफिकली एक थियोरी क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को एंड दिस थ्योरी क्वेश्चन इज अ टिपिकल फोर मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन सो ऐसा नहीं है कि थियोरी खाली एमसीक्यू में आने वाला है इट कैन कम इवन इन दिस फॉर्मेट तो अपने को थ्योरी को बहुत बराबर से करना पड़ेगा एंड यू विल नॉट यूल एम टीपी अराउंड ट्वेंटी सिक्स मार्क्स का थ्योरी के ऊपर वेटेज है एंड नाइनटी फाइव नाइनटी टू मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे इंस्टीट्यूट ने उसको डिवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ केसारीबस ए एफ एम जहां पे एमसीक्यू है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हज टू नो पैटर्न बिकॉज वहां पे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने को पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या था सो so, बस इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं क्विक लेवल uh, पे रखूंगा एंड लेट्स सी सो ये जो एक पीडीएफ है ये एम टी पी के जो फॉर्मैट है उसका पीडीएफ है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली शेयर कर दूंगा थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन ज्वाइन एंड डाउनलोड इट सो देखो के सीनारियोज पूछा उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वॉज थर्टी मार्क्स एंड यहां पर सब कुछ अटेम्प करना था एंड लुक एट द चैप्टर्स म्यूचुअल फंड प्रैक्टिकल चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिक्योरिटी एनालिसिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन मर्जर्स एंड एक्विजिशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यस खाली एक यहाँ पे थोड़ा सा थियोरी ओरिएंटेड काइंड ऑफ चीज उन्होंने पूछा फिर बाद में आ जाता हूं मैं पार्ट टू पे पार्ट टू पे जो क्वेश्चन नंबर वन है गाइस दिस इज कंपलसरी राइट दिस इज कंपलसरी एंड जो बाकी का पार्ट्स है जो बाकी का पार्ट है इसमें से आपको एनी फोर अटेम्प्ट करना है इसमें से एनी फोर अटेम्प्ट करना है सो इफ इफ आई स्पीक अबाउट द सो द फॉर्मैट विल बी दिस ये देखो पार्ट वन सिनारियोस सिनारी दिस इज ऑफ थर्टी मार्क्स

फोर्टीन इन टू फोर विल बी फिफ्टी सिक्स प्लस ऊपर का फोर्टीन विल बी सेवेंटी मार्क्स एंड एंडर पार्ट वन में थर्टी मार्क्स है वो तो कंफर्म है ही राइट नाउ इफ आई लुक एट द पेपर बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर था ये राइट सो इफ यू सी यर तो देखो स्टार्टिंग में उन्होंने म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी एनालिसिस एंड एनालिसिसं फिर फॉरेक्स पोर्टफोलियो स्टार्टअप फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवरीथिंग, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉपरेट स्ट्रेटेजी सिक्योरिटाइजेशन डेरिवेटिव्स, एडवांस्ड कैपिटल वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट वेरी स्मार्टली ड्राफ्टेड पेपर आप छोड़ के तो जाओ एक भी चैप्टर को पॉसिबल ही नहीं है सो इसी के लिए मैंने बनाया है आप लोगों के लिए रिविजन लेक्चर फॉर ऑल द चैप्टर प्लीज डू वॉच इट आउट बहुत एफर्ट ले बहुत मजा आएगा आपको वो सब देखने में एंड एटलीस्ट एग्जाम तक दो तीन बार सुन लोगे ना विल बी रियली रियली हेल्पफुल आई एम श्योर काफी लोग आप लोग आप देख भी रहे हो वेल डन ओके सो हेल्पफुलटली ट्वेंटी सिक्स मार्क्स प्रैक्टिकल नाइनटी टू इंक्लूडिंग ऑप्शन टोटल वॉज हंड्रेड एंड एटीन मार्क्स और एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए पार्ट टू का क्वेश्चन का पार्ट सी थ्योरी फॉर फोर मार्क्स क्वेश्चन टू का पार्ट सी थ्योरी फॉर फोर मार्क्स नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का थ्योरी फॉर फोर मार्क्स इन दोनों में से एक करना था थ्योरी फॉर फोर मार्क्स क्वेश्चन फॉर रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी फॉर फोर मार्क्स तो कहां से अपन बच के जाएंगे भाई वी विल हैव टू डू इट थी एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू मैनेज इट एज वेल डोंट वरी थ्योरी का भी मैं डिटेल एंड ए क्विक फायर आवर पेजर थ्योरी सेशन भी लूंगा एग्जाम के टाइम पे अभी के लिए प्रॉपर डिटेल uh, ले रहा हूं मैं थ्योरी वाले चैप्टर्स का सो यू कैन वॉच दैट आउट सो ऑल इन ऑल आई होप अपने को ये पूरा सिस्टम uh, समझ में आ गया होगा प्लीज डू नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन इन केस आपको जैसे फॉरेक्स है कुछ लोगों को उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सो यू कैन टेक आर चैप्टर वाइज लेक्चर्स आल्सो Uh, खाली फॉरेक्स लेना है खाली डेरेवेटिव लेना है और फेज वाइज अप टू यू बट प्लीज सब करके जाना एंड उससे भी बेटर है मैं तो बोलूंगा कि रिविजन देख लो मेरे यूट्यूब पे यू विल बी लॉजिकली क्लियर और कुछ आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ठीक है चलो सो बस अब अपने को एक एक सिस्टम सेट दिमाग में आ गया है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले सर ये 14 मार्क्स का बाइफर्गेशन क्या होगा कुड बी एनीथिंग सो फाइव फाइव फोर बी है कुछ क्वेश्चन में एट प्लस सिक्स बी है कुछ क्वेश्चन में एंड ऑन द एग्जाम इंस्टीट्यूट ज़्यादा प्रिडिक्शन अपन नहीं रखेंगे आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूं आ, जो एमसीक्यूज है वो उन्होंने कैसे फ्रेम अप किए हुए सो दिस इज लाइक अ टिपिकल म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन एंड देन उसका आपको यहाँ पे सोल्यूशन

और रिविजन सेशन और आपकी कोई पर्टिकुलर लेवल पे पेशकश हो उसके साथ ठीक है बाय बाय थैंक यू